हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमदान बजीज प्लैनेट। तो गाइस, आज मैं अपने बजीज के ब्रीडिंग कॉलोनी में आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको मेरे दोनों भी कॉलोनीज, नए और पुराने वाले कॉलोनी का मैं सारा ब्रीडिंग अपडेट और प्रोग्रेस आपको बताने वाला हूँ कि कितने पेयर्स लग चुके हैं, कितने अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी नए व्यूवर्स है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपके एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो ये गाइस, ये वाला नया कॉलोनी है और ये वाला हमारा पुराना वाला कॉलोनी है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, इनको हमने नए वाले कॉलोनी में नहीं शिफ्ट किया है क्योंकि इनका ब्रीडिंग चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसी से हमारा ब्रीडिंग अपडेट शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले कॉलोनी में का ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो गाइस, ये नीचे वाली जो मटकी है, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो इस फीमेल ने टोटल 5 अंडे दिए थे लास्ट वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लास्ट में इसने 5 अंडे इस फीमेल ने दिए थे, जिसमें से 3 बच्चे जो कि अच्छी तरीके से हैच हो चुके हैं और अंडे के बाहर आ चुके हैं और काफ़ी हेल्दी ये बच्चे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो काफ़ी अच्छे साइज़ भी इन्होंने पकड़ा है। ये तकरीबन हो चुके हैं गाइस 6 से 7 दिन के ये बच्चे हो चुके हैं। दो जो बड़े बच्चे दिख रहे हैं ये कुछ 8 या 9 दिन के हैं, और ये छोटा वाला जो है ये कुछ ही दिनों का है, ये 3 से 4 दिनों का ये बच्चा है। और 2 अंडे मजीद बचे हैं गाइस। तो देखते हैं अभी इसमें आगे प्रोग्रेस में, हम देखते हैं इसमें से बच्चे निकलते हैं या नहीं। और गाइस, ये वाली जो मटकी है, ये आपने देखा होगा इसमें 3 बच्चे थे, ये वाला 1, और ये वाला जो ब्लू और ब्लैक है ये 2, टोटल 3 थे, और एक है ये ग्रीन वाला। तो ये टोटल 3 बच्चे जो है गाइस, ये येलो वाली जो फीमेल देख रही है इसी के थे और काफ़ी अच्छी तरीके से हैच हो चुके के और बच्चे बाहर आ चुके हैं मटकी के। तो इस वाली फीमेल ने गाइस, इस वाले मटकी में जो फीमेल है इसने भी टोटल 5 अंडे दिए थे लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो इसके भी टोटल 5 अंडों में से 3 अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके हैं। और इन बच्चों का भी काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी अच्छे इनका प्रोग्रेस चल रहा है। मैं इस फीमेल को ज़रा हटाता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए। ये देख सकते हो, ये देखो गाइस, 3 बच्चे इसमें से बाहर आ चुके हैं और 2 अंडे बचे हैं। तो देखते हैं आगे कितने और इसमें से अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। तो गाइस, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छे बच्चे ये दिख रहे हैं, हेल्दी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये फीमेल अपने बच्चों को ब्रीड और फीड करा रही है। तो ये काफ़ी अच्छे साइन है गाइस कॉलोनी के लिए। और ऐसी ब्रीडिंग लेने के लिए गाइस, आप इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या फिर आपको ज़्यादा दवाई वगैरह कुछ नहीं देनी है गाइस। आपको आपके बजीज के कॉलोनी में बेसिक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा, जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक होता है, और हम जैसे कि सॉफ्ट फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड आपको डेली, आपको सॉफ्ट फूड आपके बजीज को देना है। और सीड्स मिक्स जो देते हैं उसके साथ में हमको सॉफ्ट फूड भी देना होता है। तो बेसिक चीज़ों का ख्याल है गाइस, ज़्यादा दवाई नहीं देते हैं बजीज को। मैं तो बहुत ही कम देता हूँ अपने बजीज को दवाई। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छे साइन है कॉलोनी के लिए, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखिए तो भी आप आपके बजीज से अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हो किसी भी मौसम में। तो ये तो अभी इस वाले कॉलोनी का है, अभी मैं नए वाले कॉलोनी का आपको प्रोग्रेस बताता हूँ। पहले ही हम गेट बंद कर देंगे, ये मैंने गेट अभी बंद कर दिया हो। अभी हम चलते हैं हमारे नए वाले कॉलोनी में, इसमें सारे हमारे नए पेड्स है। और अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा इसमें अंडे नहीं है, इसमें कुछ ही मटकियों में अंडे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैंने गेट खोल दिया हो। तो ये जो फीमेल है गाइस, ये मटकी में गई है,
इस फीमेल ने लास्ट टाइम पे हमने जब चेक किया था तो इसका एक ही अंडा था। अभी हम देखते हैं, ये ऐसे तो नहीं दिखेगा मुझे। मटकी का जो ढक्कन है वो मुझे उठाकर देखना होगा गाइस कि इसने कितने अंडे टोटल। ये दूसरा तो दिख गया अभी, लेकिन मैं ऊपर से ही देखना पड़ेगा हमें। ये मैंने ढक्कन हटा दिया हूँ। ओहो, ये काफ़ी अच्छे साइन है गाइस, चार अंडे इस फीमेल ने दिए है और फर्स्ट टाइम पे मैं इससे ब्रीड ले रहा हूँ। और ये कुछ ही दिन हुआ है, 15 से 20 दिन हुए हैं हमने ये नया केज यहाँ पर लगाया है। तो ये काफ़ी अच्छे साइन है, बहुत ही जल्दी इस फीमेल ने प्रोग्रेस की है। और इस वाले मटकी में तो नहीं, इसमें भी कोई अंडा नहीं है। इसमें कुछ फीमेल आ जा अंदर बाहर कर रही थी, तो उसमें भी कुछ अंडे नहीं है और इसमें भी कोई अंडा नहीं दिख रहा है गाइस। इसमें भी फीमेल आ जा रहे हैं, लेकिन गर्मी के मौसम कुछ फीमेल जो थोड़े वीक है वो नहीं अभी अंडा दे रहे। लेकिन जैसे ही अभी बारिश का मौसम शुरू होगा तो ये सारे मटकियों में आपको अंडे ही अंडे दिखेंगे। इसमें भी कोई अंडा नहीं है, लास्ट वीडियो में भी इसमें कोई अंडा नहीं था। और इस वाली फीमेल का लास्ट वाले वीडियो में एक अंडा हमने देखा था। अभी हम देखते हैं और इसमें इसने कितने अंडे दी है। ये इसके पर के पास एक अंडा दिख रहा है। इसका भी मुझे मटकी का जो ढक्कन है वो उठाकर देखना होगा गाइस कि इसने कितने अंडे दिए है। तो गाइस तीन अंडे तो दिख रहे हैं, एक पीछे साइड में एक छोटा दिख रहा है और आगे साइड में ये दो अंडे दिख रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है गाइस, टोटल तीन अंडे दिए हैं इसने। और देखते हैं आगे और कितने ये अंडे देती है और इसमें से कितने बच्चे ये अच्छी तरीके से निकालती है। तो गाइस मैं ये गेट बंद कर दिया हूँ, अभी गेट बंद कर देता हूँ ताकि बच्चीज बाहर ना आ जाए। तो गाइस जो भी नए व्यूवर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।